पहाड़ियाज थे उनके बारे में हमने पढ़ा था और थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि संथल्स कैसे उस जगह पे आए इसमें हम पढ़ेंगे संथल्स के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक पिक्चर है संथल्स की एंशियंट पिक्चर थी, uh, वन द तो, तो संथल्स हैड बिगन टू कम इन टू बंगाल सेवनटीन एटीज के आसपास जो संथल्स थे वो बंगाल में आना शुरू हो गए थे तो मेनली हमें आज से पता चलता है कि संथल सबसे पहले कहाँ पर आए बंगाल के एरिया में आए न जमींदार्स हायर दू मेक न्यू लैंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड एक्सपैंडेड कल्टिवेशन तो जितने भी जमींदार्स थे उन्होंने इन सारे संथंस को हायर करा मतलब काम पे लिया और उनसे फॉरेस्ट uh, को क्लियर करवाना स्टार्ट कर दिया और नए नए लैंड्स को बनवाना शुरू कर दिया नाउ लैंड्स क्यों बनवाए उन्होंने ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके कल्टीवेशन हो सके नाउ व्हेन ब्रिटिशर्स फेल्ड टू ब्रिंग द पहाड़ियाज देयर कंट्रोल द टर्न टू संथल्स अब जो पहाड़ियाज थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पहाड़ियाज ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो फॉरेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे लेकिन जो संथल्स थे उन्होंने रेडिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और इसी वजह से उनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिला और इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो संथल्स की तरफ अट्रैक्टेड भी हुए न संथल्स क्लियर द फॉरेस्ट एंड क्लोर लैंड एज अ पहाड़ी सो तो संथल्स ने फॉरेस्ट क्लियर करे और लैंड को प्लो करना भी स्टार्ट कर दिया द संथल्स वर गिवन लैंड एंड टू सेटल इन द फुटिल्स ऑफ राजमहल संथल्स को क्या दी गई ज़मीनें दी गई और उनको उनकोट करा गया मतलब उनसे मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि वो राजमहल के फुटहिल्स में आके

द लैंड ग्रैंड टू द देंटल्स कंडीशन अब एक कंडीशन और थी ये लैंड उनको फ्री में नहीं दी गई थी बल्कि एक कंडीशन में दी गई थी वो कंडीशन क्या थी कि जो एरिया जो लैंड उनको दिया गया है उसका वन टेंथ एरिया को वो हमेशा क्लियर करेंगे और उसको कल्टिवेट करेंगे कितने कितने सालों के अंदर दस सालों के अंदर तो सपोज एक जैसा लैंड है यहाँ पे एक जैसा लैंड है ये इनको लैंड दिया गया है तो इस इसका वन थर्ड इनको क्लियर करना है इसको साफ करना है और इसको कल्टीवेट करना है मतलब इसमें कोई भी ऐसे क्रॉप उगाने हैं जिससे कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो सके तो यहाँ पे इसको कल्टीवेट करना है कितने सालों में टेन ईयर्स के अंदर ये एक कंडीशन थी उनको लैंड देने की द टेरेटरी वॉज सर्वेड एंड मैप्ड इनक्लोज विद बाउंड्री पिलर्स इट सेपरेटेड फ्रॉम द बोथ वर्ल्ड द सेटल्ड एग्रीकल्चर द प्लेन एंड द पहाड़िया द हिल्स तो जो टेरिटरी जैसे सपोज ही एक टेरेटरी है जो दमीने को है ये इनको दी गई है यहाँ पर इन्होंने ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा उसको सर्वे करा उस जगह का कि उसकी सॉइल कैसी है कहाँ कहाँ पर अच्छे से एग्रीकल्चर हो सकता है कहाँ पर कल्टिवेशन हो सकता है तो उसी तरह से उन्होंने उसको लैंड भी दी थी तो उसको मैप करा उसको सर्वे करा और उसको बाउंड्री पिलर से ऐसे खड़ा कर दिया कि जो ये जो लैंड है ये किसकी है संथल्स किस की है, है और यहाँ पे कोई आ नहीं सकता तो दिस इज द संथल लैंड और यहाँ पे जो आबाद के आसपास इसके एरिया थे वो किसके थे सेटल्ड एग्रीकल्चरल्स के जो कि मतलब प्लेन से ऐसे लोग आए थे खेती बाड़ी करने के लिए और यहाँ पे थे हमारे पहाड़ियास जो कि राजमहल हिल्स के सबसे पहले सेटलर्स थे इन्हैबिटेंट्स थे वो यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर रहते थे तो ये तीन वर्ल्ड हमें बढ़ चुके थे वन टू थ्री तो जो संथल वाला एरिया था वो इन दोनों से बिल्कुल अलग था नाउ आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दमीने को संथल सेटलमेंट एक्सपैंडेड वाइडली अब क्या हुआ जब ये इसका डिमारकेशन कर दिया गया डिमार्केशन मतलब उसकी बाउंड्री सेट कर दी गई दमीने को की तो जो संथल्स थे वो एक्सपैंडली वाइड हुए क्योंकि यहाँ पे से संथल्स ही रहते थे कोई और नहीं आ सकता था तो यहाँ पे से संथल्स की पॉपुलेशन थी तो नेचुरली सी बात है कि संथल्स की पॉपुलेशन आने आ, आगे, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ती चली गई नाउ एज कल्टीवेशन एक्सपैंड एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यूज into the कंपनीज कॉफर्स अब जैसे जैसे cultivation बढ़ेगा तो उसी हिसाब से क्या होगा Cultivation अच्छा होगा पैसा अच्छा से आएगा तो उतना ही अच्छा ब्रिटिशर्स को टैक्स भी जाएगा तो इससे यही हुआ जैसे जैसे कल्टिवेशन एक्सपैंड हुआ तो रेवेन्यू भी बढ़ता बढ़ता चला गया जिसकी वजह से कंपनी से कॉफर्स कॉफर्स मतलब उनकी पॉकेट्स उनका जितना भी वो जो सोने की खान थी कॉफर्स उसको बोला जाता है तो वो भी हैवी होती चले गई बढ़ती चले गई क्योंकि टैक्स ज़्यादा आने लगा द संथल मिथ एंड सॉन्ग्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी रेफर फ्रीक्वेंटली टू अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल द रिप्रेजेंट दास्ट इज वन ऑफ कंटिन्यूस मोबिलिटीज सर्च फॉर अ प्लेस टू सेटल अब संथल्स के हमें ऐसे काफ़ी सारे मिथ्स और सॉन्ग्स मिलते हैं जो कि नाइनटीन सेंचुरी को बिलोंग करते हैं तो उसमें हमें मोस्टली क्या मिलता है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कि कितना उन लोगों ने ट्रैवल करा कितना वो यहाँ वहाँ भटके और उनका पास्ट कैसा था मतलब वो हमेशा मूव करते रहे इन अ प्लेस फॉर अ प्लेस टू सेटल तो हमेशा वो सेटलमेंट की सर्च में निकले और फाइनली उनको यहाँ पे आके एक सेटलमेंट का जरिया मिला राजमहल हिल्स में आके न पहाड़ियाज फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू संथल्स दे हैड टू गो डीपर इनटू द हिल्स फर्टाइल लैंड वाज़ अ पार्ट ऑफ दमीन को अब इससे क्या हुआ जैसे संथल्स आए तो नेचुरल सी बात यह है कि जब संथल्स राज हिल्स में आके बस गए तो पहाड़ियाज वहाँ से हट जाएंगे तो पहाड़ियाज कहाँ चले गए हिल्स के और भी डीपर पोर्शन में चले गए मतलब और भी जंगल के एरिया में अंदर जाते चले गए और जो फर्टाइल लैंड था मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता था जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता था खाना पीना वो सब किसके पास था दबीन कोके अंदर था तो इसलिए पहाड़ियाज को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी संथल्स के वजह से द पहाड़ियाज कुड नॉट इफेक्टिवली सस्टेन द मोड ऑफ कल्टिवेशन तो जब उनके पास फर्टाइल लैंड ही नहीं होगी पहाड़ियाज के पास तो वो कैसे अपना दिनचर्या बिताएंगे तो उन्होंने एग्रीकल्चर को गिवअप मतलब प्रॉपरली गिवअप नहीं करा था लेकिन छोड़ दिया था एक तरीके से क्योंकि फर्टाइल लैंड उनके पास था ही नहीं वन द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन वो क्लियर फॉर कल्टिवेशन द हंटर्स अमंग दैम ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स अब हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि काफ़ी सारी पहाड़ियाज के अंदर ऐसी कम्युनिटी थी जो कि हंटर्स भी थे लेकिन अब क्या हुआ जैसे जैसे कल्टिवेशन एक्सपैंड होता चला गया तो फॉरेस्ट क्लियर होते जाएंगे अब जब फॉरेस्ट क्लियर होंगे तो एनिमल्स भी तो नहीं रहेंगे वहाँ पर तो इसीलिए क्या हुआ जो पहाड़ियाज के अंदर हंटर वाली कम्युनिटी थी उसने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी क्योंकि अब हंटिंग के लिए भी कुछ नहीं बचा था तो इसीलिए वो हिल्स के और भी डीपर पार्ट में जाते चले गए जहाँ पे फॉरेस्ट थोड़े से डेंस होते हैं द संथल्स गेव अप दे अर्लिया लाइफ एंड सेटल्ड ह्यूअप परमानेंटली कल्टिवेटेड कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ द मार्केट एंड डेल्ट विद ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स अब संथल्स ने क्या करा अपने पहले की लाइफ एकदम गिव अप कर दी तो उनकी पहले की लाइफ क्या थी कि वो सेटलमेंट के लिए इधर उधर भटकते थे अब फाइनली जब वो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे तो यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में ध्यान लगा रहे थे कमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे थे मार्केट के लिए जिसके पास उनसे पैसा आ रहा था और जिसकी वजह से वो ब्रिटिश को टैक्सेस भी पे कर रहे थे तो दोनों पार्टीज आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश थी तो ट्रेडर्स भी खुश थे मनी लेंडर्स भी खुश थे संथल्स भी खुश थे और ब्रिटिशर्स भी खुश थे और तो स्टेट कलेक्टेड ह्यूज टैक्सेज ऑन द लैंड लैंडल्स क्लियर तो संथल तो ने जो जो लैंड को क्लियर करते चले गए तो स्टेट के पास उसके वजह से काफ़ी सारा टैक्स आना शुरू हुआ संथल्स however, soon found out that the फाउंड आउट लैंड देवर was soon स्लिपिंग अवे from देर हैंड्स अब संथल्स को धीरे धीरे ये बात रियलाइज हुई कि वो जो लैंड को क्लियर कर रहे हैं जिस लैंड को वो कल्टीवेट कर रहे हैं जिसमें वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो धीरे धीरे उनके हाथ से फिसलती जा रही है The state levied many huge, heavy taxes on the land they cleared, मनी लैंड चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड टूक द लैंड एंड कंट्रोल ओवर दमीन एरिया तो अब क्या हुआ उनको कैसे रियलाइज हुआ कि उनके हाथ से ज़मीन निकलती जा रही है इस वजह से कि जो स्टेट था जब उसको पता चला कि इस लैंड तो बहुत ह्यूज टैक्स आ रहे हैं तो उसने वहाँ पर और भी ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए मतलब जितना वो टैक्स अभी तक पे कर रहे थे उससे डबल उनर वहाँ का टैक्सेशन कर दिया और जो मनी लेंडर्स थे जिनको भी दिक्कूस कहा जाता है उन्होंने ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया मतलब जैसे वो मार्केट से बिकने के लिए जाता है तो वहाँ पे ह्यूज इंटरेस्ट देना पड़ेगा अब संथल्स को और उनसे क्या करते थे ज़मीन भी ले ली जाती थी जब वो अपना डेट्स को पे नहीं कर पाते थे डेट्स मतलब उनका कर्जा जो भी था जब वो उसको पे नहीं करते थे तो जो जो उनका लैंड था उसको जो मनी लेंडर्स थे वो अपने पास रख लेते थे और ज़मींदार बार बार उनको धमकियाँ दिया करते थे कि वो जितना भी उनका ज़मीन एरिया है वो अपनी उसमें अपनी अथॉरिटी जमा देंगे तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी सी बातें थी जिससे कि संथल्स को रियलाइज हुआ कि जो उनकी लैंड है वो धीरे धीरे उनके हाथ से स्लिप हो रही है कलोनियल स्टेट तो एटीन में आते आते तक संथल्स ने तीनों के अगेंस्ट रिबेल करा लड़ाई करी किसके अगेंस्ट जमींदार्स के जो कि बोल रहे थे कि उनका जमीन एरिया वो अपने अंडर रख लेंगे मनी लेंडर्स जो कि दिक्कूज थे मतलब वो क्या कह रहे थे उनके ऊपर ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करा और उनका लैंड भी वो ले लेते थे, थे जब वो कर्जा नहीं दे पाते थे और कलोनियल कलोरिय, स्टेट जो कि उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा रहे थे आफ्टर द संथल रिवोल्ट संथल रिवोल्ट कब हुआ 1855 सिक्स में संथल परगना वॉज क्रिएटेड तो, तो संथल रिवोल्ट जब खत्म हुआ तो संथल परगना का उद्घाटन हुआ यहाँ से संथल परगना हमारी स्टार्ट हुई इंट्रोड्यूस हुई अब संथल परगना के अंदर क्या हुआ इट काप डाउट फिफ्टी फाइव हंड्रेड स्क्वायर माइल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बिरभूम तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री हिस्ट्री में मानी जाती है ये एक ऐसा फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट था जो कि विक्टोरियस रहा तो इसमें क्या हुआ संथल परगना के अंदर संथल्स ने अपना पूरा हक माना कि हमको फिफ्टी मतलब इसके अंदर से फिफ्टी फाइव हंड्रेड स्क्वायर माइल्स का जो लैंड था वो वो किसको मिला संथल्स को मिला किन किन डिस्ट्रिक्ट से भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से और बिरभूम डिस्ट्रिक्ट से तो इसमें हमने वीडियो में देखा संथल्स के बारे में थोड़ा सा पीफ इंट्रोडक्शन संथल रेबेलियन का देखा कि कैसे संथल परगना क्रिएट हुई या संथल रेबेलियन क्या था ये एक ट्राइबल रेबेलियन था और कैसे कैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके हाथ से लाइन स्लिप होती जा रही है अब आके आने वाली वीडियो में हम जो देखेंगे वो हम बुखिन के अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बुशन जो थे वो हमारे एक ट्रैवलर थे वज ए फिजिशियन तो जिन्होंने इसमें काफ़ी सारे इंडिया के लैंडस्केप्स के बारे में मेंशन करा है राजमहल हिल्स के बारे में उन्होंने बता रखा है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे ही और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर